I just like the sound of it. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए और एक्साइटिंग वीडियो में। हमेशा की तरह आज भी मैं 4 कूल हाईटेक गैजेट्स लेके आया हूँ जो आपके डेली लाइफ में बहुत ही यूजफुल पड़ने वाले। तो एज यूजुअल इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से इजीली बाय कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देन विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आते हैं अपने फर्स्ट गैजेट के ऊपर। तो बॉक्स को देख के बहुत ही बेसिक से एक फीलिंग आ रही होगी, मगर इस बॉक्स के अंदर बहुत ही खतरनाक और एक चीपेस्ट 3000 DPI की गेमिंग माउस है जिसकी प्राइस सिर्फ 550 रुपीज़ है। और इस माउस के साथ आपको एक माउस पैड भी फ्री मिल जाता है। ओके, तो आपको बॉक्स में सबसे पहले आपको एक अपना पैड मिल जाता है देखने को माउस का, उसे हम साइड में भी रख देते हैं और देखते हैं बॉक्स में हमें और क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो और ये रहा हमारा चीपेस्ट गेमिंग माउस, जिसे देख के मुझे बहुत ही सेटिस्फाई फील हो रहा है क्योंकि इसका जो टेक्सचर है और जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही सही है इसके प्राइस के हिसाब से। और डिज़ाइन तो आप देख ही सकते हैं कि ये बहुत ही कूल लग रहा है देखने में। और आपको इसमें USB केबल मिल जाता है और इसका जो केबल है वो भी ब्रेडेड है, जिसके टूटने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। अगर आप एक गेमर या एक एडिटर हैं तो आपके लिए माउस बहुत ही सही रहेगा क्योंकि आप इसमें आपको बहुत सारे बटन्स मिल जाते हैं और इसके जो बटन्स हैं बहुत ही एक्यूरेट है नॉर्मल माउस से, तो ये बहुत ही सही रहेगा आप लोगों के लिए। और हमारा सेकंड गैजेट है क्लैरो टीवी जो आता है आईबॉल की तरफ से। तो हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारे टाइम आते हैं जब आप कोई मूवी देखना चाहते हैं या कोई टीवी शो देखना चाहते हैं तभी लाइन चली गई हो या टीवी ख़राब हो गई हो, मगर इस USB ड्राइव से आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको जो टीवी पे जो केबल लगता है आप उसे डायरेक्टली USB ड्राइव से कनेक्ट करके आप अपने लैपटॉप पे अपनी टीवी शो या मूवी देख सकते हैं। तो पीछे कुछ स्पेसिफिकेशन दिए बॉक्स में, और चलिए बॉक्स को खोल के देखते हैं बॉक्स में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। वैसे आप देख सकते हैं जो बॉक्स खुलते ही हमें सामने ही अपना USB ड्राइव देखने को मिलता है और साइड में एक रिमोट दिया हुआ है, कुछ बैटरीज और कुछ डेटा केबल्स दिए हैं। तो इसे खोल लेते हैं और नीचे में एक CD दिया हुआ है जिसे इंस्टॉल करके आप लैपटॉप में इस USB ड्राइव को आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो इसे इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे साइड में रख के बॉक्स को खोलते हैं और बॉक्स के कंटेंट को पूरा देखते हैं। तो बॉक्स को खोलते ही हमें अपना सामने USB ड्राइव दिख रहा है जो एकदम टाइटली फिट किया हुआ है उधर कोना में। तो इसे निकाल के आपको फर्स्ट लुक में देखने में एक छोटा सा मोबाइल जैसा लग रहा है, मगर ये मोबाइल है नहीं। तो नीचे में आपको केबल लगाने का जगह दिया हुआ है और ऊपर तो USB ड्राइव आपको दिख ही रहा है। और जो नीचे कीपैड टाइप का लग रहा है वो कीपैड कुछ है नहीं, वो बस इस USB ड्राइव का ऐसा लुक दिया गया है। तो बॉक्स के कंटेंट में देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स में हमें एक रिमोट मिलता है जिससे आप अपने लैपटॉप को कंट्रोल कर सकते हैं, जो आप टीवी देख रहे हैं वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, चैनल चेंज कर सकते हैं। और बैटरी दिया हुआ है, जब आप रिमोट का बैटरी ख़त्म हो जाएगा तो एक्स्ट्रा बैटरी है ये, तो आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसे भी साइड में रखते देखते हैं और क्या क्या मिला। तो इसमें आपको सारे ज़रूरी केबल्स मिल जाते हैं, जैसे साउंड का ऑडियो केबल मिल जाता है, वीडियो केबल मिल जाता है सारा। तो इसे आप इजीली अपने फ़ोन से लैपटॉप से कनेक्ट करके USB ड्राइव में कनेक्ट करेगा और आराम से अपने टीवी के लैपटॉप पे आप टीवी शोज और मूवी देख पाएगा। तो बिना कुछ परेशानी के आप देख पाएगा। तो हमारा थर्ड गैजेट है सुपर बेस पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर जो आता है डिजिटेक की तरफ से, जो एक बहुत ही चीपेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर है। इसमें आपको 1 घंटे के चार्जिंग में आपको 8 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है और आपको 10 मीटर्स का वायरलेस ऑपरेशन रेंज मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छा बात है। इस बहुत कम प्राइस में आपको इतना कुछ मिल जाता है। तो चलिए बॉक्स को खोल के देखते हैं बॉक्स में क्या है। तो ओके, हमें अपने सामने अपना स्पीकर मिल जाता है, तो उसे हम निकाल लेते हैं बाहर। और स्पीकर के आपको नीचे कुछ नहीं मिलता है, पीछे भी कुछ नहीं, बस आगे में सारे कंट्रोल्स आपको दिए जाते हैं। ऊपर वॉल्यूम बढ़ाने कम करने का या पॉज या ऑन ऑफ का बटन भी साइड में दिख जाता है। और नीचे आपको एक इंडिकेटर मिल जाता है जिससे आपको पता चल जाएगा वो चार्ज हो रहा है कि नहीं। और चलिए देखते हैं कि हमें बॉक्स के अंदर और क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो आपको एक माइक्रो USB केबल मिल जाता है जिससे आप इजीली इसे चार्ज कर सकते हो, तो 1 घंटे में फुल चार्ज होता है। और आपको 3.5 mm का जैक मिल जाता है जिससे आप डायरेक्टली अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हो, तो आप चाहे तो ब्लूटूथ से करिए या डायरेक्टली इससे करिए। तो इसमें आपको यूज़र मैनुअल भी मिल जाता है जो पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि बहुत आसान है यूज़ करना। और आपको इसमें आगे हाई वॉल्यूम स्पीकर्स मिल जाते हैं जो बहुत ही सही है और ये बहुत पोर्टेबल है। इसमें आप आराम से अच्छे अच्छे गाने अच्छे साउंड क्वालिटी में सुन सकते हैं। तो ऊपर एक हैंडल मिल जाता है जिससे आप आराम से कैरी भी कर सकते हैं।
तो आज जो मैं एयरपॉड लेके आया हूँ वो बहुत ही अलग है और ये बहुत ही चीप प्राइस है। जैसे एप्पल का जो एयरपॉड आता है उसका दाम कुछ 12,000 या 13,000 रहता है, मगर इस एयरपॉड का दाम सिर्फ 1500 से 1600 के आसपास है, तो ये बहुत ही सही रहेगा। तो चलिए मैं पीछे देखता हूँ, तो इसके पीछे कुछ स्पेक्स लिखे हुए हैं और ऊपर कुछ फीचर्स दिए गए हैं। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट के बॉक्स को खोल लेते हैं। बॉक्स खोलते ही आपको अपने सामने ही आपको एक केस मिल जाता है और दोनों साइड ईयरफोन लगा हुआ रहता है। तो उसे अभी साइड में रखते हैं और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या मिलता है। तो उसमें एक वारंटी कार्ड और कुछ पेपर वर्क दिए गए हैं जिससे अभी आपकी ज़रूरत नहीं, तो इसे अभी साइड में रख देते हैं। और एक अंदर में एक बैग दिया हुआ है जो बहुत ही खास रहता है, अच्छा रहता है, आप इसे कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं। तो इससे देखते चलते हैं अपने डायरेक्ट अपने ईयरफोन्स की तरफ से। तो ईयरफोन्स को निकालते हैं और अभी इसे रख देते हैं साइड में। पहले देखते हैं हमें बॉक्स में क्या क्या चीज़ें मिली हैं जो कैरिंग केस हमें मिला है। तो कैरिंग को इसको खेल लेते हैं। अगर बात करें इसका बिल्ड क्वालिटी का, तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। और अंदर में आपको कुछ ईयरबड्स मिल जाते हैं और ईयर लॉक मिल जाते हैं जिससे आप अलग अलग साइजेस के मिलते हैं, तो आप अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। तो चलिए साइड में रखते हैं। और इसके अंदर यूएसबी चार्जर मिल जाता है, माइक्रो यूएसबी चार्जर मिल जाता है, तो आप दोनों ईयरपॉड्स को इसे चार्ज कर सकते हैं। और बॉक्स में आपको अच्छा खासा जगह मिल जाता है जहाँ एयरपॉड्स को रख सकते हैं। तो अगर चलते हैं अपने एयरपॉड्स की तरफ, तो एयरपॉड्स का देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि एयरपॉड का जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही सही है। और आपको ऊपर में चार्जिंग पोर्ट के लिए चार्जिंग के लिए जगह मिल जाता है जिससे आप आराम से चार्ज कर सकते हैं। तो आपको पर ईयरपॉड्स में 2 आवर्स का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा, बस हाफ एन आवर चार्ज करना पड़ेगा। और इसका जो डिज़ाइन है इससे आप कोई भी कान में आराम से फिट हो जाएगा और आप नॉर्मल जॉगिंग में इसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसका जो डिज़ाइन किया हुआ है वो कान में अपने आप अच्छे से लॉक हो जाएगा। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए इसे अपने डिवाइस से कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करके इसके साउंड क्वालिटी को सुनते हैं। तो आपको बस अपने ब्लूटूथ को ऑन करना है और एयरपॉड को ऑन करना है और सिर्फ कनेक्ट करना है अपने ब्लूटूथ से। जैसे आप देख सकते हैं मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, तो दोनों एक ही साथ आपका एयरपॉड कनेक्ट हो जाएगा। बात ठीक है।